हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैं आपके सामने अपना फेस्टिवल स्पेशल साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। और इसमें ना पहले तो बता देती हूँ मैंने कहाँ से ली। मैंने मीशो से ली है और सारी ही ना ऐसी हैं जो कि फेस्टिवल्स के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है। और ये वाली जो मैंने फिलहाल साड़ी पहनी हुई है, ये जॉर्जेट की साड़ी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी मैंने मीशो से ही ली है, ये भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये जो आप ब्लाउज देख रहे हैं ना, इसका साथ कोई और ब्लाउज आया था, ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने पहना हुआ है। तो ये साड़ी भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही लंबी साड़ी है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ बड़ा मजा आ रहा है साड़ी को पहनकर। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मीशो है क्या। पहले आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर देखिए कि मैंने कौन कौन सी साड़ी मंगाई है। सबसे पहले तो मीशो को अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर यहाँ इस तरीके से खुलेगा। अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें। मैं सबसे पहले वुमेन में गई, वहां पर मैंने कुर्ती सेलेक्ट किया, फिर इसके अंदर मैंने अनारकली को सेलेक्ट करा और मुझे अगर ये वाला जैसे कुर्ता पसंद आया ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर इसमें जो मुझे साइज चाहिए वो ले लिया। फिर इसके बाद कैश ऑन डिलीवरी मैंने ली है, अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर। और यहाँ पर जो प्राइस है उसमें से जैसे 692 है तो मैंने 693 लिखा है, सिर्फ 1 रुपये का मार्जिन लिया है क्योंकि मुझे खुद को खरीदना है। लेकिन अगर आप किसी और को बेचना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ खुद ही का ऑप्शन लिया है, रजनी में मैंने खुद को ये जैसे कुर्ती भेज दी है, आप किसी और को ऐसे भेज सकते हैं। फिर इसमें एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है जिसमें आप इस कुर्ती का पूरा डिस्क्रिप्शन भेज देंगे। अगर किसी को जैसे यही कुर्ती पसंद आई है तो बस आप यहाँ पर उसका साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको एड टू कार्ट कर दीजिए। कौन सी वाली आपको अमाउंट चाहिए, पेटीएम चाहिए क्या, और कैश ऑन डिलीवरी वगैरह क्या, तो आप वो डाल सकते हैं। और आपको जैसे इसमें प्रॉफिट कमाना है, मैंने यहाँ 700 डाला है, 8 रुपीज़ का मुझे मार्जिन मिल जाएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा और उसके एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। मीशो में जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो लोग मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हैं, उनके वर्क प्लेस को बार बार सैनिटाइज किया जाता है और उनका रेगुलर टेम्परेचर चेकअप भी होता है। तो ये लोग अपनी जितनी भी इनको टर्म्स और कंडीशंस हैं आजकल के टाइम में वो सभी फॉलो कर रहे हैं। एक बात और बोलना चाहूंगी, जैसे भी आपने कोई फैब्रिक वगैरह कुछ भी, आपने कोई कुर्ता कुर्ती या फिर लेगिंग्स प्लाजो या फिर कुछ भी अगर आपने मीशो से मंगाया है, साड़ी भी हो सकती है, और आपको उसमें से कोई चीज़ नहीं पसंद आई है, तो इनके पास 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है जिसके अंदर आप 7 दिन के अंदर अंदर वो वाला फैब्रिक, अगर साड़ी है, सूट है, कुर्ता है, कुछ भी है, आप वो रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 कर करके एक एक साड़ी दिखाती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि सबसे अच्छी आपको इसमें से कौन सी लगी। सबसे पहले ना ये वाली एक साड़ी है, ये मैजेंटा कलर की है। फैब्रिक मुझे इसका पता नहीं, डिस्क्रिप्शन आप साइड में देख ही रहे होंगे इसका, और इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ ये तो इसका ना, एक मिनट, ये अंदर से है। जब मैं इसको आपको पहन के दिखाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। इसमें ना कुछ ऐसा डिज़ाइन है, ये इसका पल्लू है। ब्लाउज आजकल हर साड़ी के साथ आता है, आपको पता ही है, तो उसमें ब्लाउज भी है। और ना इसका जो डिज़ाइन है नीचे गोल्डन कलर का है और इस पर पीकॉक बने हुए हैं। और किसी भी, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर चाहे कपड़ा हो या फिर कोई होम डेकोर की चीज़ हो ना, उसमें अगर हाथी या मोर बने हुए हैं ना, वो वैसे ही मेरा फेवरेट हो जाता है। तो मुझे इसका जो ये बॉर्डर था ना, इस तरीके का जिस पे मोर बने हुए, बहुत ही पसंद आया था। और गोल्डन कलर का इस पे काम है, हल्के हल्के इस पे ना यहाँ पर हल्का सा प्रिंट भी है। तो जब मैं इसे पहनकर दिखाऊंगी तब आप देखिएगा ये कितनी खूबसूरत है और अच्छी साड़ी है ये। और इसका पल्लू ये है, ये वाला इसका पल्लू है, मैंने आपको खोल कर दिखा दिया। यहाँ पर ये इसका ब्लाउज़ है, तो अभी मैंने ये कट नहीं किया है, लेकिन आप इसका पल्लू भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। बाकी ये सारी की सारी ऐसी ही सेम है, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी साड़ी है ये। और मैंने गोल्डन, मेरे पास एक ब्लाउज पड़ा था उसी के साथ इसको चला लिया है, और मैंने इसका ब्लाउज पीस भी निकाल दिया है, उसके बावजूद ये साड़ी बहुत ही लंबी है, काफी लंबी। और देखिए कलर कितना खूबसूरत है, और इसका पल्लू भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैजेंटा और ये जो गोल्डन कलर है, और बहुत ही सारे इसमें बल पड़े हैं। आपको एक बार ऐसे दिखाती हूँ, देख लीजिए कितनी प्यारी लगी है ऊपर से नीचे तक, बहुत ही सुंदर कलर। एक और मैंने साड़ी मंगाई है, वो है सिल्क की। सिल्क नहीं है, मतलब आप इसे अगर प्योर सिल्क मानेंगे ना तो ये प्योर सिल्क नहीं होता है, क्योंकि इतनी कम कॉस्ट में ना प्योर सिल्क कभी भी नहीं मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये साड़ी काफ़ी अच्छी है, फेस्टिवल्स के हिसाब से है। इसका कलर मैं आपको दिखाती हूँ, डार्क ग्रीन कलर की है ये, और इसका जो पल्लू है ना, इस पर ना ऐसे टैसल्स हैं, और आजकल टैसल्स तो वैसे भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्का सा गोल्डन सा कलर का ये पल्लू है, और इस पर ऐसा बॉर्डर है, बॉर्डर पर ये वाला
ये मैंगो वाला डिज़ाइन एकदम ट्रू इंडियन जो डिज़ाइन है ना, वो हाथी घोड़ा और ऐसे करके जो ये डिज़ाइन होते हैं ना, और ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, ज़बरदस्त लग रहा है। जब मैं इसको पहनूंगी तब आप देखिएगा, फैब्रिक भी मुझे इसका अच्छा लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट सा है, पहनकर भी ये खूबसूरत लगने वाला है। और अब देखिए ये वाली साड़ी कितनी खूबसूरत है, कलर देखिए कितना डार्क है। फेस्टिवल्स के लिए ना जितने भी डार्क डार्क कलर होते हैं ना, बिल्कुल चटकीले भड़कीले, वही अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैंने सारी साड़ियाँ बड़ी ही अच्छी सी चटकीले कलर्स की मंगाई है। और अभी इसका ब्लाउज पीस नहीं निकला, इसलिए बहुत ही लंबी है ये साड़ी। और देखिए इसका पल्लू कितना खूबसूरत है, यहाँ पर ये टसल्स है, ये गोल्डन कलर का है, लेकिन ये काफ़ी लंबी साड़ी है। और ये देखिए कलर, ये ऐसी साड़ियाँ देख के ना मुझे रेखा जी याद आ जाती है, उनकी साड़ियाँ भी कुछ कुछ इसी तरीके की होती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं वो भी मुझे। मतलब साड़ी उनकी सिल्क वगैरह की या फिर बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना, बहुत ही कांजीरवरम की भी साड़ियाँ वो पहनती हैं। तो देख लीजिए अब इस तरीके की साड़ियाँ फेस्टिवल्स पर वैसे भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब एक और साड़ी की बात कर रहे हैं और वो है ये साड़ी, ये भी अगेन सिल्क की है। मैंने एक तो जॉर्जेट मंगाई है, एक वो मुझे फैब्रिक जो मैजेंटा वाला वो मुझे पता नहीं चला, बाकी जो है वो मैंने सिल्क की मंगाई है। तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा, कुछ कॉपर सा कलर है ये देख लीजिए, और यहाँ पर इसके रेड बॉर्डर है और ये मैंगोज वाला ये डिज़ाइन है। तो जो ग्रीन वाली है और ये वाली है ना, काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और इसमें भी ऐसे ही टेसल्स का जो है, टेसल्स हैं इसके, उस पर मैंने अभी ये खोला नहीं है, लेकिन इसका कलर मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा था, कॉपर और प्लस रेड, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके साथ भी ब्लाउज पीस है और जब मैं इसे पहनूंगी तब आप देख लीजिएगा। अगेन ये सिल्क फैब्रिक है और सॉफ्ट सा फैब्रिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड हो, आपको ये लगे कि इसको पहनेंगे तो कैरी करना इसको मुश्किल हो जाएगा। कई बार बड़े स्टिफ से फैब्रिक भी आ जाते हैं सिल्क के नाम पे, तो ये ऐसा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है ये। इसको तो मैंने बिल्कुल रेखा जी की तरह ही स्टाइल किया हुआ है, वो अपना पल्लू ना ऐसे ही रखती है। ये भी मैंने ब्लाउज पीस नहीं निकाला, इसलिए बहुत ही लेंदी हो रही है, और देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही है। सारी ही साड़ियों को पहनकर बहुत मज़ा आया, और ये मैंने ऐसे ही झट से पहनी हुई है इसलिए इसे इग्नोर कीजिएगा, बस मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और अभी मैं फॉल वगैरह भी नहीं लगी ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनको संभालना, लेकिन सच में ना मुझे सारी की सारी साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। सबके कलर्स बहुत ही अच्छे हैं और पहनकर भी अच्छी हैं, काफ़ी हल्की हैं। इतने कम प्राइस पे ना ऐसी साड़ियाँ मिल गई ना, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और साड़ी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और वो है ये। इसका कलर देखिएगा, देखिए एक तो पिंक सा कलर है इसका, और ये है कुछ ग्रीन कलर, जो मुझे देखकर ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और मैंने बताया था ना एलिफेंट वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं, इसका ये एलिफेंट वाला प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और मैंने एकदम से देख कर ले लिया था। अब आगे इतने सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ये मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है, हर फेस्टिवल पर कोई ना कोई साड़ी पहनूंगी, और इतने सस्ते में इतनी अच्छी साड़ी आ जाए और क्या बात हो सकती है। और ये भी ना फैब्रिक जो है काफ़ी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बड़ा स्टिफ सा है, तो पहनकर ये काफ़ी क्लासी लगने वाला है। अभी मैंने पहनकर नहीं देखा है, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ही खूबसूरत लगा। अगेन ब्लाउज पीस के साथ होगा ही, आजकल हर साड़ी में होता है। मेरे कहने से ना आप ये साड़ी मंगा सकते हैं, सच में जो इसका प्राइस है ना उससे कहीं ज्यादा ये साड़ी अच्छी है, मेरा विश्वास कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, पहनकर ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, कितने अच्छे से ये बंधी है, बहुत ही आसानी से मैंने इसको बांध लिया। और अभी इसका ब्लाउज पीस नहीं निकला, इसलिए पल्ला इसका बहुत ही ज्यादा लंबा है, वो मैं बाद में निकालूंगी। और बहुत मजा आ रहा है इस साड़ी को पहनकर, मेरी सबसे फेवरेट जो साड़ी है ना इन सभी साड़ी में यही है, बहुत ही अलग सी, बहुत ही अच्छा सा कलर है। आप अगर मंगाना चाहते हैं तो पक्का इसको तो आप फाइनल कर दीजिए, अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो। इसका और ओवरऑल लुक कैसा है, सबसे अच्छी बात इस साड़ी की ये है, आप इसे किसी फेस्टिवल्स पर भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस पे इतने प्यारे प्यारे फूल है, हल्का सा गोल्डन कलर भी है इसमें, मतलब गोल्डन वर्क हो रखा है। सेकंड, आप इसे डेली वेयर में भी अगर चाहते हैं ना तो वहां पर भी पहन सकते हैं। चलिए अभी आपको दिखाती हूँ ओवरऑल लुक। तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ पर इसका बॉर्डर जो है वो गोल्डन कलर का है, और ये थोड़ी सी लाइट ग्रीन है ऊपर से, और हल्की सी यहाँ से नीचे से ये डार्क ग्रीन है, और इस पर पर्पल कलर के जो फ्लावर्स हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल है ये पहनने में, और कुछ ऐसी है ये, और काफ़ी लंबी साड़ी है। मैंने इसका ब्लाउज निकाल दिया, इसके बावजूद आप देख सकते हैं क्या इसकी लेंथ है। आप इसे डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, फेस्टिवल में चाहते हैं कम्फर्ट सी अगर कोई लुक,
तो फिर आप पहन सकते हैं। लेकिन इस पर फिर आप ऐसा कीजिएगा, गोल्डन कलर का या फिर ऐसा पर्पल कलर का ब्लाउज चलाइएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह में कहते हैं ना कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत ही प्यारी लगी और मैं इसीलिए इसको पहनकर बैठ गई। तो देख ली ना आपने सारी की सारी साड़ी। अगर इनमें से आपको कोई भी पसंद आती है और आप इन्हें मंगाना चाहते हैं, मैंने इनके कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, क्योंकि ये लिंक नहीं देते हैं, इनके कोड होते हैं। बस ये वाले कोड जो है आप कॉपी कीजिए या फिर आप लिख लीजिए और इनको टाइप कर दीजिए, इनकी साइट पर जाके आपको सेम ये वाली जो साड़ी है ये मिल जाएगी आपको, जो भी चाहिए। इनकी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, तो फटाफट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी। बस फिर मिलोगे आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।